स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ शिफाली वर्मा जी हैं, दे हैव जस्ट कम फ्रॉम द एशियन गेम्स, एंड अनुराग ठाकुर जी जो हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उन्होंने उनका भी काफ़ी इंकरेजमेंट के वर्ड्स बोले हैं। तो मैम आपको कैसा फील हो रहा है वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें जब पता लगा एशियन गेम्स में क्रिकेट पार्ट ले रही है तो बहुत अच्छा लगा, पहले खुशी मिली और सोचा कि गोल्ड ही लाना है और उस पर हम खड़ा उतरे, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने इंडिया को प्राउड कराना, अपने नेशन को, एंड ऑल्सो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, जो हरियाणा गवर्नमेंट एंड अपना इंडिया पूरा सपोर्ट देता है। सभी के नाम नहीं ले सकती, साई एंड मतलब बहुत लोग हैं, बट थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट आई डोंट थिंक मैं ये जीत पाती, बट थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट। सुनहरे पल आपके वहाँ पे जो आपके रहे हों उसको आप बताएं हमें। सॉरी, कोई आपके पल हों वहाँ पे जो आप बताना चाहेंगे हमारे को, दर्शकों को? नहीं नहीं, सभी देखो अनुराग ठाकुर सर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सभी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट पर्सन बहुत सपोर्ट मिलता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलती हैं तो उनमें कैसे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को और सभी को सपोर्ट करते, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक हो गया, थोड़े जल्दी में ये रोड लोग आ जा रहे हैं। उनका पूरा नाम हरमनप्रीत कौर, प्रीत कौर, हरमन हरमन मन, थोड़ा गड़बड़ ठाकुर जी क्या इनके साथ एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरमनप्रीत कौर है। मैम कैसा लग रहा है देश के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा पहला गोल्ड मेडल है और पहली बार हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी हमारे भी हम लोग गोल्ड कर रहे हैं, वरना अच्छा लग रहा है कि हम गोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, खेल मंत्री ने भी कहा था बारिश में था कि आप लोग को भी था कि अगर ये बारिश होती है तो शायद ये गोल्ड देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो लड़के हैं जो तमाम सारे खेलों में लगातार भाग लेते हैं, अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप करते हैं हलवा करके ही अब एक ऐसी मंजिल पर पहुँच गए जो अपने यहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, और आज मैंने कहा सारे स्पोर्ट्स पर्सन का और हमारे साथ हमारी फैमिली हमारे का हार्डवर्क है कि आज देशी खेल में जा पाए। शुक्रिया। तो आपने सुना हरमनप्रीत कौर को जिनकी तरफ से कहा जा रहा है महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमन सिंह हरमनप्रीत कौर पंजाब का नाम रोशन है, प्रदेश का नाम रोशन है। उस टाइम ये था कि पहले तो टॉस का बहुत रहता था क्योंकि मैं डिफरेंट विकेट था यहाँ पर पहला मैच हो रहा था और मुझे इतना था कि बहुत इनकर जो हम लोगों ने टीम प्लान करा है वो करे, लकीली भी मैं टॉस, उसके बाद बैटिंग फिर आपको भी करना चाहते थे, जो विकेट्स थे वो बहुत ट्रिकी थे, कभी भी कैसे भी बहुत ट्रिक कर रहा था, और आई थिंक हम लोग डिसेंट टोटल पर पहुँच पाए
विनिंग टोटल तो नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि बहुत कम स्कोर बनाया था, लेकिन ये था कि उस टोटल तो हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना अच्छा कर रहा था कि हम उसको डिफेंड कर रहे थे। आगे कर देंगे, आगे शूट कर देंगे ना। हरियाणा की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं, कहावत भी है कि नपते फटते जगते बिल्डिंग गिल्ली, इस तरीके की जो हम बातें सुनते हैं। जब आप खुद पंजाब की जमीन से आते हैं, ये तमाम चीज़ें जब बचपन से हम लोग सीखते आते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? आई थिंक हमारे वहाँ पे सारे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, बहुत सारे अपने अपने गांव में जो लोग खेलते हैं, वहाँ से बहुत रॉ जो टैलेंट होता है निकल कर आता है। और मैं खुद वैसे ही, क्योंकि मैंने बहुत लेट क्रिकेट, पिंड का एक टैलेंट होता है। जी जी, मैंने खुद बहुत लेट खेलना स्टार्ट करा था, लेकिन जब पता था कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा कुछ करने का अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, और हमेशा वैक्सीन के लिए रेडी थी। और जैसी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छा आपके हाथ में घोटे में चाहूँगी, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए और एक लाइन में बताइए कि लड़कियों को क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बस यही है कि आप किस जो भी फील्ड में आप हो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। और आई थिंक अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने हार्डवर्क के ऊपर ट्रस्ट रखना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और मेहनत करते रहिए और कभी ना कभी आपकी मेहनत जरूर। चलिए, शुक्रिया, हमसे बात करेंगे।